हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम यू बैक अगेन ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस। तो बच्चा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जो किसके बारे में है? दुनिया की सबसे खतरनाक हस्ती, दैट इज हिटलर। सो वी आर गोइंग टू हैव अ टॉक अबाउट नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को आज जानने की कोशिश करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल हैव अ होली टॉक अबाउट द वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर। व्हाट वाज बेसिकली नाजिज्म, वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट, व्हाट हु वाज हिटलर। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत जैसे एनसीईआरटी ने दी है, वो स्टार्ट होती है एक बेसिकली एक स्टोरी से। ठीक है, वो स्टोरी किसके बारे में डिस्कशन कर रही है वो हम चेक यहां से करेंगे। वी विल हैव फर्स्ट लुक दैट ठीक है। तो बेसिकली आप देखिए चैप्टर की शुरुआत नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म क्या थी? एक आइडियोलॉजी थी। इन्होंने कहा है ना, बेसिकली 1945 एक बच्चे से एक कहानी शुरू की गई। एनसीईआरटी की ये खूबसूरती है कि एनसीईआरटी हर एक टॉपिक को कहानियों से शुरू करती है। ठीक है, ड्रामेटाइजेशन से शुरू करती है। तो आप देखिए, एक 11 साल के बच्चे से ये कहानी शुरू हो रही है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हेलमेट। ठीक है, और क्यों शुरू हो रही है उसके पीछे भी रीजन है। बेसिकली उस वक्त के सीन को दर्शाने की कोशिश की गई है जब लोग डरे थे, सहमे थे। ठीक है, क्यों डरे थे, सहमे थे? क्योंकि कार्रवाई हो रही थी उन लोगों पर जिन्होंने हिटलर का साथ दिया था, जिन्होंने इस शख्स का साथ दिया था जिसने दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड किया था। याद रखिएगा, जेनोसाइड इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द मास किलिंग। रिमेंबर, मास किलिंग, व्हेनेवर इट हैपन द मास किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस। रिमेंबर, ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, जब भी एक पर्टिकुलर रेस की क्या होगी, व्हेनेवर देयर इज अ मास किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस, एक पर्टिकुलर रेस की क्या होगी, याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर रेस की किलिंग होगी, एक पर्टिकुलर सेक्ट की किलिंग होगी, एक पर्टिकुलर सेक्ट को मारा जाएगा। याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर सेक्ट को टारगेट किया जाएगा। व्हेनेवर इट इज अ टारगेट किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स, रिमेंबर टारगेट किलिंग्स, इट विल बी नोन एज अ जेनोसाइड। ठीक है, अब बात होगी तो फिर हेलमेट क्या करेगा? हेलमेट जो अपने जो सराहने बैठा हुआ था, अपने माँ बाप की ये कहानी, ये बातें सुन रहा है, विस्परिंग, जो सिंपल चुप चुप के दो हस्बैंड एंड वाइफ बात कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होगा, द नेक्स्ट डे ही टुक, क्योंकि ये क्या थे, आप देखिए बेटा यहाँ पर कहा गया है, नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिप्लड एंड ज्यूज। हमने क्या किया, ये बात कर रहे हैं दो, ये जो हस्बैंड वाइफ है ये बात कर रहे हैं आपस में, क्या बात कर रहे हैं, और जो हेलमेट, ये जो 11 साल का बच्चा है, 11 ईयर बॉय, ये 11 साल का बच्चा जो बात सुन रहा है, 11 ईयर बॉय, एक 11 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा जो ये बात सुन रहा है, रिमेंबर, जो 11 साल का बच्चा, 11 ईयर ओल्ड बॉय, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हेलमेट है, ये वो सुन रहा था, ही इज बेसिकली लिसनिंग, वो सुन रहा है जो बात उसके कौन कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं। पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं कि जो हमने कभी जीवस के साथ किया, क्रिप्लड के साथ किया, जिप्सीज के साथ किया, अब वही आने वाले वक्त में हमारे साथ होगा। हाँ, क्यों, क्या किया उन्होंने, क्योंकि उसकी जो बेसिकली क्योंकि जहां वहां पर बात हो रही थी, हिटलर ने जो किया था वो वापस उन लोगों के साथ होगा और वही कहानी को दोहराया जाएगा। आगे क्या करेगा ये फिजिशियन, ये अपने को घूमने ले जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, और अगले ही दिन वो खुद को मार देता है। तो क्या मसला था, व्हाट वाज द बेसिकली केस, यहां पर कहने की कोशिश की गई है, ही किल्ड जीव्स, बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। क्या नाजीज ने खाली इतना किया था? क्या नाजीज ने खाली दो या तीन या चार लोगों को मारा था? क्या नाजीज ने खाली कुछ एक दो इवेंट्स किए थे, तारीख में ये इवेंट्स आ गए? ठीक है, हम उसे इंसिडेंट भी कहते हैं, मगर फिर ये जो बात की गई, हेलमेट के बाप ने खुद को मारा, क्यों मारा, कौन सा डर उसको सता रहा था? हाँ, वही बात हम इस चैप्टर में देखेंगे, क्यों नाजीज को वॉर क्रिमिनल्स कहा गया, व्हाट वाज द रीजन दैट कि इनको इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में इनको बुलाया गया, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में बुलाया गया, क्योंकि इन्होंने पीस को डिस्टर्ब किया था। बिकॉज हिटलर, वो हिटलर याद रखिएगा, हिटलर ने क्या किया था, वॉर क्राइम्स कमिट किए थे, वॉर क्राइम किए थे। नॉट ओनली वॉर क्राइम, आई कुड से दैट ही कमिटेड, उसने क्या किया था याद रखिएगा, उसने इंसानियत, किल, ही किल्ड ह्यूमैनिटी, हे किल्ड ह्यूमैनिटी, मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, ही किल्ड ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब जरा चलेंगे, बात करेंगे आगे हम, बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। ये वर्ल्ड वॉर वन कब स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी 1940 में और चली थी 1980 तक। ठीक, अब ये वर्ल्ड वॉर किन किन के बीच में हुई थी, रिमेंबर दिस थिंग, ये वर्ल्ड वॉर वन दो बड़े ग्रुप्स के बीच में हुई थी। एक को हम याद रखिएगा, यहां पर अलाइड भी थे, ठीक है, यहां पर सेंट्रल भी थे, ठीक है, यहां पर अलाइड पावर्स भी थे। पावर का मतलब क्या है, ऐसी कंट्रीज जिनके हाथ में ताकत हो, और सेंट्रल पावर्स भी थे, ठीक है, सेंट्रल पावर्स एक इंपीरियल या हम कहेंगे एम्पायर्स थे, ठीक है, और जो अलाइड थे ये अब एम्पायर नहीं थे, कुछ हद तक ये भी एम्पायर थे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। अब सेंटर में कौन कौन था, ओटोमान एम्पायर था, ठीक है, सेंट्रल में कौन कौन था, ओटोमान एम्पायर था सबसे पहले, फिर जर्मनी था, ठीक है, ओटोमान एम्पायर जर्मनी, और यहां पर हम कौन कौन देखेंगे, हम यहां पर सबसे पहले फ्रांस को देखेंगे, फिर हम यहां पर बेटा फ्रांस के बाद हम रशिया को पाएंगे, रशिया के बाद हम इससे बढ़िया कंट्री जो है हम यहां पर यूएसए को पाएंगे, यूएसए के बाद हमें एक और कंट्री यहां पर देखने को मिलेगी, दैट इज ब्रिटेन, ठीक है, जो भी पंगा यूरोप में, फ्रांस और ब्रिटेन पहले, ठीक है, यूएसए तो बाद में बेसिकली आया था ना अलाइड फोर्सेस में, तो सेंट्रल पावर्स में ओटोमान एम्पायर सबसे पहले था, ठीक है, उसके बाद जर्मन एम्पायर था, चलिए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रियन एम्पायर था। यहां पर अब हम कहानी को आगे लेते हुए हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहा जाता है ना, इन अर्ली 90s जर्मनी वॉज स्ट्रॉन्ग एम्पायर। जर्मनी क्या थी, मैंने पहले कह दिया ना, इट वॉज एम्पायर, एम्पायर थी तो सीधे सीधे जवाब होगा सर यहां पर मोनार्की थी, यहां पर बादशाही रूल था। हाँ, जर्मनी ने पहली जंग अजीम लड़ी, और पहली जंग अजीम कभी से वर्ल्ड वॉर नहीं कहा गया था, याद रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ग्रेट बैटल हुई, सेकेंड ग्रेट बैटल, रिमेंबर, सेकेंड ग्रेट बैटल, सेकेंड ग्रेट बैटल यानी वर्ल्ड वॉर टू, जो पहली ग्रेट बैटल थी उसे नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, 1914 से 99, और किसके साथ जरा चेक कीजिए, विद ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द अलाइज। हाँ, अलाइज कौन थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया था, और फिर आगे जाके 1917 में यूएसए सामने आता है, ठीक। हाँ, फिर क्या कहा, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट द वॉर टू ड्रैग एंड एग्जॉस्ट यूरोप, और इसने क्या किया, इसने यूरोप के रिसोर्सेस को तबाह कर दिया, पूरे यूरोप को तबाह किया। वर्ल्ड वॉर वन विद इन द यूरोप लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर टू भी विद इन द यूरोप लड़ी गई, यानी यूरोप ही इफेक्ट हुआ। चेक कीजिएगा, जर्मनी इनिशियली गेनेड ग्राउंड, पहले पहले तो जर्मनी ने ग्राउंड हासिल किया था रशिया में, तो आपने अगर चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन रशिया पढ़ा होगा, इंशाल्लाह वी विल डू द डिस्कस दैट, आप जब उसे चैप्टर को पढ़ोगे ना तो कुछ चीजें पता चलेगी, क्या कि जार के खिलाफ लोग हो चुके थे, लेनिन वॉर के खिलाफ था, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान रूस का हो रहा था, तो सीधी सीधी सी बात है जर्मनी जीत रहा था, जर्मनी अलग अलग जगहों पर जीत रहा था, जर्मनी ने तो कब्रें बनाई थी इन बाकी एम्पायर्स की जो फौजें थी, ठीक है। हाँ, मगर फ्रांस ओवर फ्रांस और टेक ओवर कर भी लिया था, फ्रांस भी हार रहा था, बेल्जियम भी हार रहा था। अलाइज बूस्टेड बाय द यूएस ज्वाइनिंग इन 1917, मैंने पहले कहा ना अलाइज कब ताकत हासिल कर लेता है, अलाइड पावर्स कब स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब इन्हें यूएसए जो फ्रेश था इस वॉर में जब वो ज्वाइन करेगा, वंस ही विल ज्वाइन, और क्या करेगा, वन एंड डिफीटेड जर्मनी, उसने जीता, अलाइज को जिताया और डिफीट करवाया जर्मनी को, और सेंट्रल पावर्स इन नवंबर, और आगे जाकर सेंट्रल पावर्स क्या करते हैं, नवंबर में इनको डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, इनको हराया जाता है, ठीक है। अब जब ये नवंबर में इनको डिफीट किया जाएगा, तो नवंबर में आगे क्या होगा, नवंबर में एक
ट्रीटी भी साइन होगी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस। तो मैं ट्रीटी को आगे डिस्कस करूंगा। जब ये नवंबर में साइन होगी तो जर्मन के लोग फिर जो इस ट्रीटी को साइन करेंगे उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाएंगे। किस नाम से बुलाएंगे? नवंबर क्रिमिनल्स। व्हाई? बिकॉज दे इंसल्टेड द होल नेशन। उन्होंने होल जर्मन को, क्योंकि जो जर्मन थे ना बड़े लड़ाकू थे, लड़ने के लिए तैयार होते थे, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार होते थे, और बड़े इनके यहां पर ग्लोरीफाई किया गया था ना ट्रंच लाइफ को, यहां पर ग्लोरीफाई किया गया था वॉर को, यहां पर सिटीजन से ज्यादा मिलिट्री की इज्जत थी, ठीक है। जरा चेक कीजिए, आगे चलेंगे। नाउ वी विल हैव द डिस्कशन अबाउट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ बुक। ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्या हुआ? जर्मन एम्पायर, ठीक है, बार बार जो बातें होती थी, जब जर्मन हारेगा तो जर्मन हारने के बाद कौन भागेगा, कौन पीछे बैठेगा? वो था जर्मन एम, जर्मन मोनार्क। जर्मन मोनार्क भाग जाएगा, जर्मन मोनार्क छुप जाएगा, तो अब यहां पर टेम्पररी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, एक आरजी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? इंटरिम गवर्नमेंट बच्चा क्या होती है? इंटरिम गवर्नमेंट हमेशा टेम्पररी होती है, और टेम्पररी गवर्नमेंट जब बनेगी तो शाबाश, वो क्या बनाएंगे, ये बट मिलके बताएंगे, बनाएंगे कि इन्हें मौका मिलेगा, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जर्मनी में वर्ल्ड वॉर वन के हारने के बाद, उनको मौका मिलेगा टू बी जर्मनी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, टू बी जर्मनी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, टू बी जर्मन, जर्मनी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम इसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए। हाँ, तो वही बात यहां पे लिखी है, आफ्टर इंपीरियल जर्मनी डिफीट। हाँ, इंपीरियल मीन्स प्रो एम्पायर, हाँ, मीन्स प्रो मोनार्क। रिमेंबर, जब ये डिफीट होगा तो एंड द एम्परर्स एब्डिक्शन। अब एम्परर भी भाग जाएगा, पार्लियामेंट्री पार्टी जो यहां पर पार्टी से हैड ए चांस टू रिशेप जर्मन पॉलिटिक्स, इनको मौका मिला जर्मन की पॉलिटिक्स में, जर्मनी की पॉलिटिक्स में एक नया सुधार लाने का, एक नया इतिहास लिखने का। अ नेशनल असेंबली अब क्या बनाया गया, वाइमर में, वाइमर में एक जनरल असेंबली, एक नेशनल असेंबली को बुलाया गया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, और वाइमर रिपब्लिक के नाम से वो मशहूर हुई। किस नाम से? वीमर रिपब्लिक के नाम से वो मशहूर हुई। वीमर रिपब्लिक, रिमेंबर, वीमर रिपब्लिक के नाम से वो मशहूर हुई। हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लाए, वो भी एक फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक फेडरल स्ट्रक्चर हम यहां पर खींचेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ जहां पे स्टेट और सेंट्रल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स होंगे, तो वहीं पर डिप्यूटीज वेयर इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। अब डिप्यूटीज लाए गए, हां, हिज टैक्स बेस्ड ऑन द इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट, यहां पर वोटिंग सिस्टम आया, इनको वुमेन्स को इंक्लूड किया गया, और नाम भी दिया गया इसे क्या, रिच टैग, रिच टैग, रिच टैग, रिच टैग, याद रखिएगा, ठीक, चले आगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहां पर क्या होगा, अब वीमर कहा गया, जो ये वीमर था ना, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, रिमेंबर, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। ये तो हम देख रहे हैं कि वीमर रिपब्लिक की बर्थ कैसे हुई, बेसिकली हम बात ही कर रहे हैं कि वीमर रिपब्लिक की बर्थ कैसे हुई। वीमर रिपब्लिक की बर्थ बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस से होती है। ट्रीटी, मैंने कल भी कहा था, परसों भी मैंने बच्चा डिस्कस किया था, ट्रीटी इज नथिंग, ट्रीटी इज बेसिकली एग्रीमेंट। क्या है? शाबाश, इट इज अ एग्रीमेंट, बट कौन सा एग्रीमेंट है? इट इज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट। अब पॉलिटिकल एग्रीमेंट है सर, हमें बताइए कैसे बनेगा? जब भी पॉलिटिकल एग्रीमेंट होगा तो उसके लिए जरूरी है दो या उससे ज्यादा, टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज, टू पॉलिटिकल ग्रुप्स का होना जरूरी है। तो यहां पर थी ट्रीटी में क्या थे, एक तरफ से अलाइड थे, एक तरफ से बेटा सेंट्रल्स थे, ठीक है। अब सेंटर हार जाते हैं, अलाइड जीत जाते हैं, तो वीमर में एक, अब पहले, उससे पहले क्या होगा, नवंबर में ट्रीटी साइन होगी, एग्रीमेंट साइन होगा। एग्रीमेंट का मकसद क्या था? टू स्प्रेड द पीस, टू एस्टैब्लिश द पीस इन द जर्मनी। वही है ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस इंपोज्ड हार्श, मगर इसे कहा जाता है, इस ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस को ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस नहीं कहते हैं, इसे बच्चा कहते हैं ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलेशन। क्या कहते हैं इसे बच्चा? कहते हैं ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलेशन, याद रखिएगा। इसे हार्श ट्रीटी भी कहा गया, आगे जाके इंग्लैंड खुद एक्सेप्ट करता है। जब
जब हिटलर अपने बिल्कुल पावर में आता है ना, स्ट्रांग हो जाता है, तो उस वक्त खुद ये कहता है कि हाँ, उस वक्त इंग्लैंड खुद कहता है इट वाज हार्श ट्रीटी, ये सबसे बदतरीन ट्रीटी थी, क्योंकि इसने जर्मन के लोग छीन लिए, इसने जर्मन की इज्जत छीन ली, इसने जर्मन के रिसोर्स छीन लिए, इसने जर्मन की टेरिटरी छीन ली। ठीक, वो हम अभी बात करेंगे। जर्मनी इस ट्रीटी के मुताबिक क्या कहा गया जर्मनी को, तुम अपनी आर्मी को कंट्रोल करोगे, आर्मी तुम्हें मतलब तुम्हें डिमिलिटराइज किया जाएगा, तुम्हें क्या किया जाएगा, डिमिलिटराइज किया जाएगा। जर्मनी और जितनी भी ओवरसी कॉलोनीज थी जहां से जर्मनी के रिसोर्स चलते थे उनको छीना गया। हाँ, और वो कितना था, अबाउट 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, यानी आप देखिए बेटा, 10% इसकी पॉपुलेशन जो थी ना वो इन कॉलोनीज में थी। हाँ, लॉस 13% ऑफ 13% तो इसका एरिया, 70% इसका आयरन, 26% कोल, और वो किसको जाता है, फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया। ठीक है, कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। अब और इससे आगे भी बहुत सारी चीजें होंगी, यानी इस पर लगाया जाएगा वॉर इंडिमिटी या वॉर इंडिमिटी रिमेंबर, तो इस पर लगाया जाएगा तावान, कितना, वो भी $6 बिलियन का, उस जमाने में $6 बिलियन, और वो भी उसे रिपे करना पड़ेगा अलाइज को, किसको, अलाइज को। और वही है ना, जर्मन वॉज रिक्वायर्ड टू पे $6 बिलियन इन कंपनसेशन। क्यों, आपने जंग हम पे अप्लाई कर दी, आपने जंग हम पर सादिर कर दी, हम नहीं चाहते थे, हम नहीं लड़ना चाहते थे, तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, हाँ, जो नुकसान हुआ है $6 बिलियन का। और ये भी आप देख लिए ना, नवंबर क्रिमिनल्स इस ट्रीटी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हमने कहा ना, वन ऑफ द हार्श, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रीटीज। ठीक है, फिर उसके बाद अलाइज डिमिलिटराइज जर्मनी, जर्मनी मैंने पहले कहा जर्मन को क्या करेंगे, डिमिलिटराइज करेंगे, टू वीक इट, ताकि ये कमजोर हो जाए और आगे आने वाले वक्त में ये कभी लड़ने के लायक ना रहे। और ये वॉर गिल्ट क्लॉज रखा गया इसमें, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, खताजत कौन, जर्मनी, खराब कौन, जर्मनी। हाँ, ये सारा किसके सराहने भेजा गया, ये भेजा गया जर्मनी के ऊपर, और उसी ट्रीटी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सारी खता, मैनी जर्मन ब्लेम्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक नॉट ओनली फॉर द वॉर डिफीट बट ऑल्सो द डिसग्रेस ऑफ वर्सायल्स ट्रीटी। सब ने कहा कि इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इन्होंने वर्सायल्स में इस ट्रीटी पर साइन करके सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी जो बची खुची थी, और ये जो आग थी ये अंदर ही अंदर उन सारे सोल्जर्स के मन में थी, सोल्जर्स के अंदर थी जिन्होंने वॉर लड़ी थी, ये लोगों के जहन में बैठी हुई थी, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोरीफाई किया गया था ट्रंच लाइफ को, ठीक है, ट्रंच लाइफ को याद रखिएगा, ट्रंच लाइफ जो मिट्टी के अंदर खोदे गए छोटे छोटे कमरों में जो जिंदगी थी, जिस हिसाब से यहां पर ग्लोरीफाई किया था मीडिया ने किस चीज को, आर्मड लाइफ को, उस हिसाब से तो सब वर्स्ट बेइज्जती थी। इसलिए वाइमर जब बना तो सबसे ज्यादा जो डिसलाइक किया गया दैट वाज द वाइमर रिपब्लिक, वाइमर रिपब्लिक वाज डिसलाइक्ड बाय द पीपल, वो नहीं चाहते थे, तो वाइमर को सबसे पहली चिंता, सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी, सबसे पहला जो उसके यहां पर हर्डल था, वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल वाज That people didn't accept, लोगों ने accept ही नहीं किया इसे, लोगों की मर्जी के, लोगों के हिसाब से इसका होना ना हो ना, एक जैसी बात थी, वो तो इसे मानते ही नहीं थे, वो तो इसे accept नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये सबसे बड़ी एक कहेंगे ना रुकावट भी थी, एक और बड़ा चैलेंज भी था। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी इफेक्ट ऑफ द वॉर, क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी वाइमर के ऊपर। हाँ, द वॉर हैड डिवास्टेटिंग इफेक्ट, न कि खाली यूरोप पर, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से यूरोप इफेक्ट हुआ, जहनी भी और पैसों के हिसाब से भी, काम का, काज का, हर अनाज का, हर तरीके से नुकसान हुआ। यूरोप शिफ्ट हो गया, जैसे कि ये पहले लोगों को कर्जा देता था, अब ये कर्जदार हो गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इससे भी बड़ा क्या था, वाइमर रिपब्लिक वाज बर्डनड विद द मिस्टेक ऑफ द ओल्ड एम्पायर। अच्छा, जो वाइमर बना, ध्यान से सुनिएगा, तो वाइमर जब बना तो वाइमर के ऊपर कर्जा चढ़ गया, जो कर्जा वाइमर ने लिया ही नहीं था, वो क्या था, 6 बिलियन वाला, वो 6 बिलियन मतलब इसके ऊपर वो सारा कुछ आ गया, वो सारा कुछ,
वो सारा कुछ क्या था, यानी जो वॉर इंडिमिटी थी, या हम कहेंगे जो कंपनसेट करना था, एरिया छिन गया, कॉलोनी छिन गई, मतलब एक नंगा फकीर कंट्री को चलाएगा। दैट वॉज द वीमर। वीमर को ऐसे, वीमर की हालत खराब थी ऑलरेडी, एक चैलेंज था ना, इट फेस्ड एक तो गिल्ट भी, नेशनल ह्यूमिलेशन भी, और लोगों के यहाँ से भी, भाई तुम लोगों ने तो तबाही कर दी, और रिसोर्सेज ढूंढना कि आप क्या करोगे, कंपनसेट करोगे, पेमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए भी पेमेंट ढूंढना। आप खुद देखो वीमर को चैलेंजेस ही चैलेंजेस सामने थे। वीमर रिपब्लिक लेड मोस्टली बाय सोशलिस्ट। अब इसको कौन कौन चला रहे थे, सोशलिस्ट चला रहे थे, कैथोलिक चला रहे थे, डेमोक्रेट चला रहे थे, और ये इनको इसके लिए तो कंजर्वेटिव्स को तो एक आसान निशाना मिल गया था वीमर, हाँ, इनमें जो भी थे, क्योंकि ऐसे लोग ना जो लिबरल थे, मिडिल क्लास थे, जो रेडिकल नहीं थे, जो बिल्कुल बैलेंस्ड थे, वो इस वीमर को चलाना चाहते थे, वो वीमर को रन कर रहे थे। दे वांट अ डेमोक्रेटिक जर्मनी, पीसफुल जर्मनी। मगर कंजर्वेटिव्स के यहाँ तो सोच ही थी ना कि भाई क्या करेंगे, तबाही कर दी, हाँ खराब है सारे लोग, वो खून खराबा नहीं चाहते थे। दे वियर मॉकलिंग ए लेबल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। और याद रखिएगा वीमर के लोगों को क्या नाम दिया गया, नवंबर क्रिमिनल्स। रिमेंबर नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि नवंबर में क्या हुआ था, साइन हुई थी ट्रीटी, ठीक है, और इसीलिए इन्हें फिर कहा गया था नवंबर क्रिमिनल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द वॉर के अंडर हम देख रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। अब इस वर्ल्ड वॉर का असर यूरोपियन सोसाइटी पे क्या हुआ वो हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट अब यूरोपियन सोसाइटी पे भी, ठीक है, और पॉलिटिक्स पे भी असर पड़ेगा। खाली जर्मनी ही नहीं पड़ेगी ना, पूरा यूरोप ही इसमें था। यूरोप, जर्मनी एक नेशन था, जर्मन एक नेशन था जो यूरोप में था। तो सोल्जर्स को एलिवेटेड अबव सिविलियन, मैंने पहले कहा यहां सबसे बड़ा मैटर था ना कि सोल्जर्स की इज्जत ज्यादा थी, हाँ, शहरी सिटीजन्स की उतनी इज्जत नहीं थी। और उससे बड़ी बात, देयर वॉज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन बीइंग एग्रेसिव। अच्छा, जो एग्रेसिव लोग थे, जो शरारती थे, जो प्रोवोकिंग थे, उनकी ज्यादा इज्जत होती थी। मीडिया ने रोमांटिसाइज किया था ना ट्रंच लाइफ को, यानी उन्होंने ग्लोरीफाई, द वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ग्लोरीफाई, उन्होंने बड़ा ही ना, ठीक है, ग्लोरीफाई किया था। ग्लोरीफाई का मतलब उन्होंने बड़ी ही ना चर्चे लाए थे, अरे भाई ये लाइफ आप देख लो, ये होती है जवानों की लाइफ, ये होती है वो लड़ाकू वाली लाइफ, ये है मां का खून, ये है देश का खून। दैट वाज द डन बाय द, क्योंकि मीडिया इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू सेंड अ गुड मैसेज एंड अ बैड मैसेज। मीडिया इज थॉट एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, बट व्हेन द मीडिया करप्ट्स, हां, इट डिस्ट्रॉयज द नेशन, इट डिस्ट्रॉयज द पॉलिटिक्स, इट डिस्ट्रॉयज ईच एंड एवरीथिंग। तो ट्राई टू मेंटेन बैलेंस द मीडिया, इफ मीडिया इज करप्टेड दैट मींस देश तबाह हो जाएगा, ये याद रखिएगा। हाँ, इन रियलिटी सोल्जर्स एंड्योर टेरिबल कंडीशन इन द ट्रेंचेस विद रैट्स। आप देखिए ना उनको किसके साथ, आप देखिए इन रियलिटी, जब हम वो ग्लोरीफाई तो कर रहे थे, मगर वहीं पर क्या कर रहे थे, वहीं पर आप देखिए इनकी जो मुश्किलें थी, वहां पर जिंदगी गुजारना मुश्किल था, वहां पे गंदगी थी, वहां पे चूहे थे, उनको खाने में प्रॉब्लम, लाशें, दे फेस्ड पॉइजनस गैसेस, उनका सामना उनको करना पड़ना था, शेलिंग का सामना करना पड़ता था, नंबर्स, और फिर और नंबर्स घट भी रहे थे, लोग बढ़ भी रहे थे। तो जो प्रॉब्लम्स उनको सामना था वो प्रॉब्लम शायद मीडिया को नहीं दिख रही थी, ठीक है। और जब आप चेक करोगे ना, व्हेन यू सी, जब आप देखोगे तो सच में सोशलिस्ट यहाँ पर एक सही फैसला था। दे वॉन्ट पीस, हर एक को जान प्यारी होती है, मगर कुछ लोग ये चाहते नहीं है ना, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी द इफेक्ट ऑफ वॉर, ये हमारा पहला हिस्सा था इस चैप्टर का। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी विल हैव द सेकंड लेक्चर ऑन दिस चैप्टर, हम इसका दूसरा लेक्चर लाएंगे। आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, कनेक्ट रहिए, कनेक्टेड रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमें अपनी, आप लाइक कीजिए इस चैनल को, लाइक के साथ साथ कमेंट कीजिए आप क्या चाहते हैं, ठीक है, बने रहिए हमारी चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।